जिले के सैंदली तहसील में 6 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में सैन समाज के लोगों ने उसे फांसी की मांग रखी है। मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के बाद समाज के लोगों में रोष व्याप्त है और इस गुस्से को जाहिर करते हुए राजस्थान भर में विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस कड़ी में आज अजमेर जिले में भी सैन समाज द्वारा रैली निकाली गई और मासूम बच्चे अंकिता की तस्वीर दिखाते हुए उसे न्याय दिलाने को लेकर प्रदर्शन किया गया। इसके बाद उन्होंने जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि 12 जनवरी को 6 वर्षीय मासूम अंकिता के साथ हुई दरिंदगी के मामले में पुलिस और प्रशासन सख्त कदम उठाए और बच्चे को न्याय दिलाने का प्रयत्न करे और आरोपियों को शीघ्र से शीघ्र फांसी की सजा दिलाई जाए। समाज के लोगों ने टोंक जिले से आने वाले उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से भी इस मामले में उचित कार्यवाही की मांग रखी है। सैन समाज द्वारा 6 साल की मासूम बच्ची अंकिता सैन, जो कि टोंक जिले की निवासी थी, उसके साथ दुष्कर्म किया गया, उसके विरोध में संपूर्ण राजस्थान में सैन समाज द्वारा विभिन्न जिला स्तर, तहसील स्तर पर ज्ञापन दिया जा रहा है और समाज एक आंदोलित रूप धारण कर चुका है। सैन समाज इकट्ठा होकर के मांग कर रहा है कि उस मासूम के साथ जिस प्रकार से जघन्य अपराध किया गया, उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसका शव दफना लिया गया और उसके बाद उसके साथ जो घटना घटित हुई है और जिस प्रकार से समाज को ज्ञात हुआ, पूरे राजस्थान का सैन समाज बहुत आंदोलित हो चुका है। आज हम अजमेर जिला कलेक्टर के माध्यम से हम मांग करते हैं कि उसका मेडिकल बोर्ड से उसका जो दुष्कर्म हत्यारा है उसकी जांच कराई जाए और उच्च स्तरीय जांच करा करके जो मासूम के साथ जो घटना घटित हुई है उसका उचित नियम के तहत मुआवजा दिया जाए और कम से कम जो नया नियम आया है उसके अंदर फांसी की सजा का प्रावधान किया जाए और जो घटना घटित हुई है उस घटना से समाज का वो परिवार बहुत भयभीत है, उसको सुरक्षा मुहैया उपलब्ध कराई जाए और ताकि उसके साथ कोई और अन्य घटनाएं नहीं घटित हो। और कम से कम हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, और क्योंकि उप मुख्यमंत्री जी का गृह जिला टोंक हो चुका है, इसलिए हम उनसे भी मांग करते हैं कि वह इस जांच की, इस बात की निष्पक्ष जांच कराई जाए और अंकिता सेन के हत्यारों को कम से कम फांसी के प्रावधान के साथ लेकर के इस समाज की जो बहु की जो मांग हुई है उसको हमें शांत किया जाए। हम शांतिपूर्वक आज ये ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं और जनता, हम मांग करते हैं कि लोकतंत्र के अंदर इस मांग को पूरी की जाएगी, ऐसी भावना के साथ हम सैन समाज अजमेर आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। हम ये फोटो दिखा करके जो प्रदर्शन कर रहे हैं इसके ये प्रतीक है कि अंकिता सेन कितने वर्ष की थी, ये मासूम बच्ची है 6 साल की। हम ये मीडिया के माध्यम से और आपके माध्यम से ये बात दिखाना चाहते हैं कि 6 साल की इस मासूम बच्ची के साथ जिस प्रकार की घटना घटित हुई है, लोगों को मालूम नहीं कितने वर्ष की बच्ची के साथ ये घटना घटित हुई है। ये कोर्ट के यदि न्यायालय की है तो समाज उसकी पालना करेगा, लेकिन उसके साथ शव दफना दिया गया है, उस शव को बाहर निकाल करके भी दिखाया गया है मीडिया के अंदर, वो फोटो तो पहले ही प्रकाशित हो चुकी है, लेकिन हम जिस बच्ची के साथ ये न्याय हुआ है, अन्याय हुआ है, उस अन्याय के खिलाफ हम ये दिखाना चाह रहे हैं और समाज का वो व्यक्ति और परिवार भयभीत है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सबसे पहले उसको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, सुरक्षा और मुहैया कराने के बाद उस परिवार को कम से कम आर्थिक सहायता भी उसको उपलब्ध कराई जाए। ये दोनों मांगे तो हमारी है ही, और कम से कम जो नया कानून आया है उसके साथ फांसी का जो प्रावधान है वो उसके संग किया जाए।